हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला दोस्तों महायज्ञ, जो कि बौराव थाने हो रहा है, जो कि बहुत ही फेमस जगह है। दोस्तों, अभी मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया हूँ, बट जल्दी बनाऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं महायज्ञ देखने, जो कि रामायण वामायण हो रहा है। तो दोस्तों, वही नाच देखने जा रहे हैं, रामायण सब कुछ देखेंगे दोस्तों, और आप लोग को भी दिखाएंगे, काफी मजा आएगा। और हम लोग जा रहे हैं बाइक से दोस्तों। यहाँ देखते तो बाइक है, हम लोग तीन लोग हैं जो कि जा रहे हैं साथ में, और काफी मजा आएगा दोस्तों। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं भोले बाबा के स्थान पे, जो कि हम लोग बौराव बाबा नाम से इनको बुलाते हैं दोस्तों, और आप लोग भी बौराव बाबा नाम से जान सकते हो। और ये फेमस मंदिर है बौराव बाबा के नाम से, जो कि यहाँ पर भोले बाबा का स्थान है दोस्तों। और देख सकते हो, मंदिर काफी अच्छा सजाया गया, और रामायण उधर हो रहा है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, काफी मजा आ रहा है। चलिए चलते हैं, दिखा देते हैं आप लोग को। अगर आप पैर में दर्द हो रहा हो तो आप अपना हाथ हम केवट के सर पर रख दो, और हम केवट लाल के चरण को धो रहे हैं। इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, लेकिन लेकिन भैया मेरे पास समझ, आप अपने पास इसे उतराई समझ कर रख लीजिए। आज हमने क्या नहीं पाया, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का अनुग्रह चाहिए। अरे प्रिय दीदार मोहि जो देवा, शुभ साध मैं सिय धन देवा। आप जहाँ को जा रहे हैं, अपनी यात्रा पूरी करके हमारे हाथ पर आइएगा, उतनी वो कुछ देंगे हम प्रसाद समझ कर।
अगर हम आपसे उतराई नहीं ले रहे हैं तो आप हमारे नहीं बन जाएंगे। सरकार आप ऐसा न कहो, अगर आप अपने को ऋणी समझते हैं तो ऋण में ही चुका देना। हम केवल आपको इसे सरकार किए जाएंगे, लेकिन ही खबर ये तो किसी का विधान है जो लिख दिया किसने कलम से, मीट नहीं सकता आपसे और हमसे जो आपकी इच्छा हो सकता। अब हम फिर इस जन्म का प्रतीक्षा करेंगे आपके चलने में। भैया हम जाना चाहते हैं सर, फिर भगवान आप ऐसे निकले काहे रहिया घेरा तवे पैसा ए भैया ईद कहता हम जरबा मेहनत के लिए बानी कहो तो हम बीआई के लाल बने हमारे ससुराली बाबू जाए तो हम से आई उसे पैसा नहीं जाए अच्छा एक आदमी के 100 रुपया मांगा कर 50 रुपया मांगा कर सुन लगा सर 50। अच्छा ऐसा बात ए भैया एकरे करते अगर भीख मांगे पड़ी तो भीख मांग के हमने के दे दल जाई ए भाई कहने बा बहुए के संपत्तिया में संसार थी, लेकिन वो बहुत संपत्तियों में बड़ा भारी परेशान हुआ। तो तनि अगर कहते संपत्ति दे दो भैया छोड़ दो हम तो काम कर मांगे भागने जाते जाते रे अरे बेटा जाने रे भगवान के दरबार की राय रखे बात छुटकारा कराया करती 50 रुपए के बात चलिए सिक्का है सरकार रैया पाचन हम भक्त के आज्ञा के पालन रैया के करे चलिए से की कहने भक्त बड़े भगवान से चारों पर जा रहे हैं घर। और आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो दो पार्ट में आएगा दोस्तों तो पूरा फुल एंजॉय कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।